Hello friends, welcome back to my channel. This is me again, your friend Nisha. So I'm doing flight today, Bangalore back, Bangalore back का बताऊँ बताए. I'm going Jaipur, Bangalore, Bangalore to वापस Jaipur. मुझे रात के 3 या 4 बजाएंगे. It's like सुबह के 3 या 4 बजाएंगे मेरे को. अभी 4 बज रहे हैं और कल भी मैंने फ्लाइट करी थी. कल आई थी, आई थी ना आई की अराउंड या 11 o'clock और समथिंग. सो इट्स लाइक मैं आई, मैं थोड़ी देर सोई और आज फिर वापस फ्लाइट के लिए जाना है. और सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. आज दिवाली है और आज भी मेरी फ्लाइट लगी है. दिवाली की लाइट्स की तरह ढेर सारी खुशियाँ हैं. सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड. एंड मैं तो फ्लाइट्स के लिए जा रही हूँ. आई एम मिसिंग माई फैमिली फ्रेंड्स. नो बडी इज हियर. मेरा भाई रहता है मेरे साथ, तो वो भी आज चला गया फ्लाइट के लिए. वो भी आज चला गया, देखो कुछ भी बोलूँ. वो तो घर गया है. मैं जाऊँगी फ्लाइट के लिए क्योंकि मेरी फ़्लाइट है और मैं भी रेडी हो रही हूँ. मेरी फ्लाइट के लिए बेंगलोर जाना है, फिर जयपुर से, फिर बेंगलोर से वापस जयपुर आना है. तो काफ़ी लंबा दिन है और बेंगलोर फ्लाइट काफ़ी लंबी होती है, तो हमें रात हो जाएगी. वही जैसे कल हम आए, मैं सोई और फिर उठी, फ्रेश अप हुई, कपड़े वगैरह धोए, फिर थोड़ी देर सो गई और फिर अब भी वापस रेडी हो रही हूँ फ्लाइट के लिए. सो इट्स लाइक बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है. इवन मैंने यहाँ पे भी कुछ सेलिब्रेट नहीं किया है. मैंने टाइम ही नहीं मिला. मैं उठ के मैंने कप नूडल्स खाए हैं और वो खा के तो मैं फ्लाइट पे जा रही हूँ. बट कोई ना, दिस इज़ लाइफ. और ये मेरा फर्स्ट दिवाली है कि मैं घर से दूर हूँ, तो मुझे बहुत याद आ रही है. एंड आई एम फीलिंग सो अलोन. ओके, सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर दिवाली. और जो एंजॉय नहीं कर रहा है, मेरी तरह ब्लॉग बना लो. सो इट्स लेस डिप्रेसिंग वेन यू टेल एवरी वन की आई वॉज अलोन इट. बट अच्छी बात तो ये है कि चलो कोई ना, फ्लाइट पर जाऊँगी. आई होप वहाँ पर कुछ अच्छा हो. सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम फाइनली रेडी फॉर माई फ्लाइट. आई एम रेडी नाउ एंड आई विल गो फॉर माई फ्लाइट. एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. इस बार इसलिए नहीं सजाया ना, क्योंकि पेड़ पौधे पोत रहे ना सारे. इस बार तो बिल्कुल नहीं कर, चमक दमक बिल्कुल. हाँ, एयरपोर्ट पे कुछ नहीं कर रखा. हाँ देखो, बिल्कुल थोड़ी सी भी सजावट नहीं कर रखी, थोड़ी सी भी. एयरपोर्ट ऐसा खाली खाली सा लग रहा है. यहाँ पे तो पता ही नहीं लग रहा है कि दिवाली भी है कि नहीं है. आलू टमाटर बेचने वाले बैठे थे. अच्छा, उनका क्या कर रहे थे? प्याज टमाटर उनको सजाने के लिए थोड़ी रखेंगे. देखो बिल्कुल सजावट नहीं है ना, अंदर से ना बाहर से. मैं फ्लाइट करके आ गई हूँ. इतना टायरिंग तो नहीं था, बट लास्ट वाला सेक्टर जब मैं बेंगलोर से वापस जयपुर आ रही थी, बहुत टायरिंग था. बट एक चीज़ तो बहुत अच्छी थी, जब हम वापस आ रहे थे बेंगलोर, जयपुर से बेंगलोर जा रहे थे, तो मैंने कॉकपिट में से व्यू देखा था. व्यू इतना प्यारा था बाहर का, मतलब हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग, इतनी लाइटिंग. ऐसा लग रहा था ऊपर से कि बस सब कुछ लाइट में है. वो व्यू ना, मेरे को सही में उसका वीडियो बनाना चाहिए था, वो क्लिप ऐड करनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है. तो मैं अभी आई हूँ जस्ट फ्लाई से, तो मेकअप रिमूव करके मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में. वैसे अभी तो मेरे बाल तो एकदम ठीक है, बट आई थिंक मेकअप तो पूरा ही चला गया. लिपस्टिक ही बची है, बस थोड़ी सी आई शेडो वगैरह सब गायब. मैं मेकअप रिमूव करके आती हूँ. ऐसा गिफ्ट दिया है इंडिगो ने, तो वो देखेंगे साथ में. मैं चेंज करके आती हूँ. अरे तो मैंने चेंज कर लिया है. चेंज करके आई टुक शावर और उसके बाद आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड. आई एम फीलिंग सो स्लीपी. मेरी आंखों में नींद भर गई है, अब मुझे सोना है. चलो जल्दी से गिफ्ट देखते हैं क्या क्या दिया है दिवाली के लिए, देन वी विल स्लीप. तो ये सब दिया है इंडिगो ने. दे गिव अस दिस ग्रीटिंग कार्ड. हैप्पी दिवाली टू 16 inches. एंड द सेलिब्रेशन किट, दिस इज सो टाइनी. एंड दिस वन, आई थिंक दिस इज चॉकलेट केक और समथिंग. आई थिंक दिस इज चॉकलेट केक. नाइस. एंड इन दिस, एक्चुअली फ्लाइट में कैप्टन आए थे, तो वो भी हमारे लिए कुछ लेके आए थे, तो हर क्रू को एक एक दिया था. तो आई थिंक ये है, दिस इज़ हेज़लनट सिनेमन चॉकलेट बाइट्स. आई डोंट नो, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है. एंड द ग्रीटिंग कार्ड,
light and laughter to you and your family. This is all happy Diwali. Nice. All is nice. अब फ्लाइट तो काफी हेक्टिक थी, आ गए, गिफ्ट देख लिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट.